ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन सा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स क्या है? इसका मीन्स है देयर मे बी टू ओपनिंग, वन फॉर गेटिंग ऑफ फूड आर कॉल्ड माउथ एंड अदर ओपनिंग आर कॉल्ड एनस, ठीक है। और अगर मैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्रैक की बात करूं, इसका क्या मतलब है? इसका मीन्स है कि सबसे पहले जो फूड है, सबसे पहले जो फूड है किसके द्वारा एंटर करेगा? माउथ, माउथ आर ओपन इनटू ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी ओपन इनटू फैरिंग्स, ओरल कैविटी ओपन इनटू फैरिंग्स, फैरिंग्स ओपन इनटू ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर इसोफेगस, इसोफेगस ओपन इनटू स्टमक, स्टमक ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्जर इंटेस्टाइन, फाइनली एनस, ठीक। इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि फूड लेने के लिए क्या है, एक अलग जगह है माउथ, उसके बाद ओरल कैविटी, फैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। एनस क्या करता है? जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और इट मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये पूरा जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, माउथ टू एनस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके साथ में कुछ पार्ट और अटैच हैं, उस पार्ट को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। में भी एग्जांपल, सबसे पहले ओरल कैविटी बात करते हैं, माउथ की बात करते हैं, इसके अंदर क्या है? पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। जो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड है ये क्या काम करती है? सलाइवा स्क्रीट करती है, जिसके अंदर क्या है? सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसके बाद लीवर, सेकंड पैनक्रियाज, और जो स्टमक है इसके अंदर भी बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं इनको, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इट इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर with two opening, with two opening, the anterior opening, the anterior opening of alimentary canal, alimentary canal। जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो एंटीरियर ओपनिंग है, एंटीरियर ओपनिंग मतलब अपर साइड, एलिमेंट्री कैनाल की जो अपर साइड की जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं माउथ, ठीक। और द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड
एनस, ठीक है। पोस्टीरियर मीन्स नीचे की तरफ, ये देखो जोरल कैविटी है, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसके ऊपर साइड की ओपनिंग है, इसको बोलते हैं माउथ। सेकंड, जोरल जो एलिमेंट्री कैनाल है वो नीचे की तरफ एक ओपनिंग शो करती है, इसको बोलते हैं एनस, ठीक। अगर इसको देखें तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्यों? क्योंकि जो फूड है एंट्री करता है माउथ से और रिमूव होता है एनस से, इसलिए क्या बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम एक एक करके दोनों पार्ट स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। जो एलिमेंट्री कैनाल है इट कंसिस्ट मेनी पार्ट्स। सबसे पहले स्टडी करेंगे माउथ की। माउथ, माउथ क्या है? एलिमेंट्री कैनाल इट कंसिस्ट मेनी पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। माउथ क्या है? इट इज द एंटीरियर ओपनिंग। इट इज द एंटीरियर ओपनिंग। इट इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड माउथ, ठीक। नेक्स्ट है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी क्या है? इट इज द इज इनर पार्ट ऑफ माउथ। जो ओरल कैविटी है वो इनर पार्ट है माउथ का, ठीक है, उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी आर ऑल्सो कंसिस्ट ए मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। इसके अंदर क्या है? एक मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं टंग। क्या बोलते हैं? टंग। जो टंग है इसकी जो शेप है, टंग की जो शेप है इन्वर्टेड वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप। नेक्स्ट पार्ट है फैरिंक्स। फैरिंक्स कहां पे प्रेजेंट होता है? नेक्स्ट टू ओरल कैविटी। नेक्स्ट टू ओरल कैविटी इट इज ए पाथवे फॉर बोथ फूड एंड वाइन, ठीक। जो फैरिंक्स है पाथवे है, पाथवे फॉर बोथ फूड एंड वाइन, ठीक। जो फैरिंक्स है एक ऐसा प्लेस है जहां से फूड और वाइन दोनों एक साथ पास करते हैं, उसको बोलते हैं फैरिंक्स। जो फैरिंक्स है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप रखता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप रखता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस? एपिग्लोटिस क्या काम करती है? ये जो फूड है उसको वाइन पाइप के अंदर जाने से रोकती है, ठीक, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है? ओरल कैविटी ओपन इनटू फैरिंग्स। फैरिंग्स आर ओपन इनटू ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ईसोफेगस क्या है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, क्या है? एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक, जो क्या करती है ओरल यानी फैरिंग्स को किससे कनेक्ट करती है? स्टमक से, ठीक। जो ईसोफेगस है सिर्फ एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ क्या करती है जो फूड है ओरल कैविटी से उसको स्टमक तक लेके जाती है, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। और जो लेंथ है, अगर मैं लेंथ की बात करूं ईसोफेगस की, कितनी है?
25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप है, ठीक, जो ओरल कैविटी को स्टमक से जोड़ती है। नेक्स्ट है स्टमक, नेक्स्ट क्या है स्टमक, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टमक की, स्टमक, स्टमक क्या है, इट इज जे शेप, जो स्टमक है इसकी जो स्ट्रक्चर है कैसी है, जे शेप, ठीक है, जे शेप स्ट्रक्चर है। इट इज थ्री पार्ट, इट इज थ्री पार्ट, जो स्टमक है इसके तीन पार्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्डिक, कार्डिक नाम से ही पता चलता है कार्डिक, कार्डिक का मीन्स क्या है, हार्ट, यानी स्टमक का वो पार्ट जो हार्ट के बिल्कुल पास में है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, कार्डिक। इट इज नियर टू हार्ट, ये हार्ट के काफी पास में, इसलिए इसको नाम दिया कार्डिक को, कार्डिक। सेकंड है फंडस, जो फंडस है ये कार्डिक से ऊपर पार्ट है, क्या काम है, इट इज फिल्ड विद गैस, ठीक, जो फंडस है वो गैस के साथ भरा हुआ मिलता है। जो थर्ड पार्ट है पाइलोरिक, पाइलोरिक इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टमक, बिकॉज इट आल्सो कनेक्ट स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक टू सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट, ये स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है पाइलोरिक, ठीक। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अबाउट 6.25 मीटर लॉन्ग, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 6.25 मीटर लॉन्ग है। इट इज आल्सो थ्री पार्ट, फर्स्ट पार्ट है डिडोनियम, डिडोनियम, डिडोनियम इसका पहला पार्ट है, जो कैसा है, इट इज यू शेप स्ट्रक्चर, इट इज यू शेप स्ट्रक्चर, ठीक, इसकी जो शेप है यहां से स्टमक से अगर नेक्स्ट बात करें ये वाले, इसको बोलते हैं डिडोनियम, और जो लेंथ है डिडोनियम की जो लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक। ये क्या करता है, जो स्टमक का लास्ट पार्ट है पाइलोरिक, उससे कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है जेजिनियम, जेजिनियम, जेजिनियम क्या है, सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो क्या करता है ड्यूडोनियम को, ड्यूडोनियम को कनेक्ट करता है किसे, किसे कनेक्ट करता है इलम से, ठीक। जो ड्यूडोनियम है, जो सॉरी जेजिनियम है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो है
2.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक, ये 2.5 मीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट पार्ट है 11, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट आल्सो कंसिस्ट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम, इलियम क्या है, लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी लेंथ है 3.5 मीटर लॉन्ग, ठीक। जो इलियम है इसके अंदर क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं विलाई, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड विलाई, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड विलाई। फंक्शन ऑफ विलाई, फंक्शन क्या है विलाई का, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। जो विलाई है ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसको अब्सॉर्प्शन करने में हेल्प करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्प्शन हो सके, ठीक है। जो इलियम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, ओपन इनटू ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, ओपन इनटू ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है एक आउटग्रोथ है, इट इज ए आउटग्रोथ ऑफ लार्जर इंटेस्टाइन, ठीक, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं लार्जर इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज इट अब्सॉर्ब मोस्टली वाटर। लार्जर इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉलर इंटेस्टाइन, जैसे नाम क्या है लार्जर इंटेस्टाइन है, लेकिन जो इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम है। जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेंथ ऑफ लार्जर इंटेस्टाइन, लार्जर इंटेस्टाइन अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। नाम क्या है, लार्जर इंटेस्टाइन है, लेकिन जो साइज है वो क्या है, 1.5 मीटर लॉन्ग है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका साइज कितना था, 6.25 मीटर लॉन्ग। जो लार्जर इंटेस्टाइन है इट इज थ्री पार्ट, इट इज थ्री पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम लार्जर इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। जो क्या करता है, कनेक्ट है किससे, स्मॉलर इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट था क्या, इलियम, उससे कनेक्ट है। और जो आउट ग्रोथ है लार्जर इंटेस्टाइन की, उसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं सिकम, सिकम, इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द लार्जर इंटेस्टाइन। ये क्या है, मिडिल पार्ट है लार्जर इंटेस्टाइन का, ठीक। और एंड 6 सेंटीमीटर इन लेंथ, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और नेक्स्ट पार्ट है कोलोन, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्जर इंटेस्टाइन विच में ओपन थ्रू ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एनस। इसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। एनस क्या है, पहले बता चुके हैं, इट इज द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड एनस। जो एनस का जो फंक्शन है वो क्या है, जो भी फूड अनडाइजेस्टिव फूड है या वेस्ट फूड है उसको बाहर निकालने के, निकालने में ये हेल्प करता है, इसको बोलते हैं एनस, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव क्लाइमेट, ठीक है।
आज कंप्लीट किया है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक।